यह पूरे कश्मीर घाटी में जी आज बिजली की अदम दस्तियाबी जो है हो गई है 5-6 दिनों से। मैं आपकी वसादत से पीडीडी डिपार्टमेंट से गुजारिश करना चाहूंगा, एक तो आप फीस हमसे लेते हो 1500, 3000, 4000 फीस लेते हो, पैसा लेते हो, तो बिजली तो कम से कम दो। आप बिजली ही नहीं दोगे, सर्दियों का मौसम आने वाला है तो यहाँ लोग परेशान हो जाएंगे। मैं आपकी साथ से उमर साहब से गुजारिश करना चाहूंगा, उमर साहब आपने ओथ ले लिया है, आप हमारे सीएम हैं, हम आपको बहुत इज्जत करते, मेहरबानी करके बिजली डिपार्टमेंट को हिदायत दे दीजिए कि ताकि 24 घंटों में से कम 18 घंटे जो है बिजली रहे। और यहाँ लोग बड़ा सफर कर रहे हैं, लोग बड़े परेशान हैं। आज तीमारदारों को भी बड़ा झेलना पड़ता है, क्योंकि आज हॉस्पिटलों में भी बिजली गायब रहती है, आज हर जगह बिजली गायब रहती है। अभी देखिए मैं ऑफिस में बैठा हूँ, यहाँ पे भी बिजली नहीं है। तो मैं गुजारिश करूँगा उमर साहब को कि मेहरबानी करके जो कमिटमेंट आपने लोगों को किया है, जो आपने वादे दिए हैं लोगों को, वो वादे तो पूरा करें और थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन को टाइट करें। तो सर ये भी जानना चाहेंगे आखिर में, खासकर यहाँ पे अगर बात करेंगे सड़कों के बारे में, उसकी हालत भी काफी खस्ता हो चुकी है, तो वो भी चाहती है जल्दी से जल्दी उनको भी ठीक किया जाए सर आखिर। मुझे लगता है कि अमर साहब बड़ा अच्छा काम करेगा, उनको पूरे कश्मीर घाटी की पता है कि बहुत सारे जगहों पे ऐसे रोड है जो खस्ता हाल ही में पड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि शायद चीफ इंजीनियर आरएनबी को हिदायत देगा कि जल्द अज जल्द रोडों को कनेक्टिविटी को बहाल करें, और जहाँ जहाँ मैग्नेमाइज करने हो, 1-2 महीने हैं दिसंबर तक, अभी अगर मैग्नेमाइज करेंगे तो मुझे लगता है कि लोगों को राहत मिलेगी। तो सर आखिर में AEEPDD बिजबिहारा या जो बाकी अफसरान हैं उन तक कोई खास मैसेज आखिर में? नहीं, मैं चीफ इंजीनियर PDD से गुजारिश करूँगा कि मेहरबानी करके अपने स्टाफ को एक्जनों को आदेश दे दीजिए, हिदायत दे दीजिए कि कम से कम 24 घंटे में 18 घंटे जो है बिजली रहे। और दूसरा, जब आप फीस वसूल कर लेते हो तो उस वक्त आप न उधर देखते हो न इधर देखते हो, जैसे कि उमर साहब ने कहा कि मैं बिजली फीस माफ़ करूंगा, जब तक वो माफ़ करेगा तब तक तो आप बिजली दो।